जकरा वोट देना हो दिया, चाहे जिस पार्टी के देना वोट हो, चाहे हरा दिया चाहे लाल दिया चाहे ककरा भी देना, लेकिन इटा सोच के दिए कि जे तोर बाल बच्चा के लिए अच्छा पॉलिसी बना लेते हो, तोर बाल बच्चा के लिए जो पढ़ाई लिखाई व्यवस्था कर देते हो, तोर बाल बच्चा के इलाज पानी व्यवस्था करते हो, ओकरा वोट दिए अभी बदलाव होता। अभी हम लोग ने मनाने का कोशिश किया, हम लोग ने सरकार को जताने का कोशिश किया, हम लोगों ने सरकार को बताने का कोशिश किया कि हमारे झारखंडियों के लिए झारखंडी को कानून बनाया जाए, लेकिन दो साल में नहीं बना। तब हमें मजबूरन क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे अच्छा से पढ़ते और वीडियो सीओ का नौकरी लेते। इसलिए हम जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। कवच हमने हमेशा को है कि ना कभी सरकार के तो नहीं वोट दे ले, लेकिन सरकार से कभी सवाल नहीं कर ले, कभी विधायक मंत्री से सवाल नहीं कर ले, कहे कहने लागो कि अपनी सरकार के पैसा दो, ऐसा ना है, ऐसा ना है माए बहन सब, सरकार के पैसा को सरकारे ना दो, हमने पैसा अपनी जगह है, कैसे तो हमने बताओ, इतने सिंदूर लगे ले, बहुत बहुत सिंदूर लगे ले, 10 टका पुड़िया हो तो मान ले, 10 टका पुड़िया हो तो आनी झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी, जकर में से 1,70,00,000 पुरुष और 1,60,00,000 महिला है ना। अब 1,60,00,000 महिला है, 1,60,00,000 में मान लीजिए आप विवाह मान ले 1 करोड़ मान लीजिए, तो डेली तोरे सिंदूर लगवो, 2% ही सरकार के टैक्स दले है तोरे, हर पुड़िया में 2% टैक्स दले, 2 करोड़ रुपया एक दिन में तो नहीं दे दो, वह पैसा के विधायक के मंत्री के बीडीओ के सीओ के डीसी के वाइट ऐसा सैलरी मिलो, तो सरकार पैसा ना दे। आज दादा सब बड़ा बड़ा बाइक से आलो, इटा देख बाइक लागल हो, अपनी 100% तेल भरा के आलो, अगर मैं झारखंड सरकार के 20% और केंद्र सरकार के 20% टैक्स के रूप में दे लेते, वह पैसा हमने जगह लौट के आओ, वह तो वीडियो सीओ के सैलरी मिलो, महीना मिलो, लेकिन महीना महीना कोई दो है, लेकिन कभी सवाल ना पूछे पा कर ले, कभी सवाल एक घर में 150-200 टका के नौकर रखो प्रतिदिन के, ओकरो से अगर एगो खेतवा पर ना जोत दल को, एक बरिया ना जोत दल को, तो तुरंत दूर दूर आ दो, अरे तो खेतवा ना जोत दल, तो अत्यंत पैसा सरकार के दल है, लेकिन कभी सवाल करे पारले वीडियो से कि हमार कमा ना भेल, कभी विधायक से सवाल करे पारले कि हमार बेटवा के लिए हमार बेटिया के लिए पढ़ाई व्यवस्था का करे पारले, कभी सांसद से पूछे पारले कि हमार बेटवा बेटिया के लिए अच्छा इलाज के व्यवस्था ना, कभी इलाज की व्यवस्था कर कहले ना कह पारले। यानी कह जाए कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक हो, लेकिन की हो गया जनता हमने नौकर हो गया, और जो नौकर आला वो मालिक बन गया, कहे कहे के अपनी अंदर जागरूकता ना, उधर जानो जो नेता मंत्री है तो अपने जानो छो कि भटुआ के टाइम में अग्निदारू में मुर्गा में धोती में साड़ी में तो लइए रहे भटुआ, तो किन काम करे जी, गलती तो हो कैसे गलती अभी तक तरह बताओ, एक सरकार में मान लीजिए अभी चुनाव है तो चुनाव में सुनो ये कि एक पार्टी 15 करोड़ रुपया खर्चा कर ले, यानी एक विधायक के महीना अगर देखा जाए तो 2,88,000 यानी 3,00,000 मान लो, ये यानी एक साल के 36,000 के मल्टीपल करो तो 36,00,000 रुपया, और 36 के 5 साल से मल्टीपल करो तो कितना हुआ 36 मान ले 5 करोड़ रुपया, एक आदमी के 5 करोड़ महीना है, अगर खर्चा भी तो है, अब 5 करोड़ रुपया अगर मान ले 5 साल में कमा हो और एक चुनाव में 15 करोड़ रुपया खर्चा करो हो, तो कहीं कहीं थोड़े से निकाल दो, कैसे निकाल दो इटा बुझिया, 500% तक वोट लेके दल है, अब मान लीजिए रोडवा जो पास भेल हो तो 1 करोड़ के पास भेल, 1 करोड़ में की करता विधायक जी, क्या कर मैं 1 करोड़ में 40,00,000 हमारा चाहिए, यानी बचलो कितना 60,00,000 रुपया, 60,00,000 में वीडियो भी चाहिए सीओ भी चाहिए, यानी 10-20% बताइए तो बतलब कितना 40,00,000 रुपया, 40,00,000 रुपया में की करता हूँ, और बाद में ठेकेदार हो तो बचवे हो कि नहीं, यानी जो रोड हलो 1 करोड़ के वो बैठ गलो 10,00,000 में, कैसे जहाँ मसाला मिल गलो 5-1 के वहाँ मिला गलो 10-1, जो रोड चले चाहे 100 साल उठा चलो 1 साल, तो गलती तो हो पहले, इसलिए सबसे अपने आप में पहले बदलाव कर, चाहे तुरा जकरा वोट देना हो दिया, चाहे जिस पार्टी के देना वोट हो, चाहे हरा दिया चाहे लाल दिया चाहे ककरा भी देना, लेकिन इटा सोच के दिए कि जे तोर बाल बच्चा के लिए अच्छा पॉलिसी बना देते हो, तोर बाल बच्चा के लिए जो पढ़ाई लिखाई व्यवस्था कर देते हो, तोर बाल बच्चा के इलाज पानी व्यवस्था करते हो, ओकरा वोट दिए अभी बदलाव होता।
और अभी झारखंड के परिदृश्य में झारखंड में अभी वैसा कोई नेता हमारा देखे हुआ मिल रहा एक और छोड़ के केवल जयराम माथो के नेतृत्व में। तो इतना जैसे देखला 2019 के चुनाव में जैसे कौन कर रहे मोदी तो 2024 जैसे था जय राम जय राम जय राम। देखिए कहा कोई ऐसा पानी अपने जिताई देख लो कुछ ना मिल लो जहाँ तोर बाल बच्चा आज भी छगड़ी को कल भी छगड़ी गोरखी करो लो आज भी छगड़ी गोरखी करो लो 2019 में ही हेमंत सोरेन के भी जिताई देख लो तोर बाल बच्चा कल भी छगड़ी गोरखी करो लो आज भी छगड़ी गोरखी कर रहा लो कल भी माओ भात खा लो आज भी माओ भात कर लो कल भी तोर रोडवा टूटल लो आज भी रोडवा टूटल लो कल भी तोरा पानी ना मिलो लो आज भी पानी ना मिलो लो कल भी तोर बाल बच्चा के नौकरी ना मिलो लो आज भी ना मिलो। तो बदलाव कहिया बतो बदलाव कहिया बतो। इसलिए 2024 में कौन के अपना में अपन गठिया में देखिए कौन अपन नाती पोता के पैसा दिए खातिर की करो 2-4% गठिया में पैसा मांग के खुश हुआ ना उसी तरह गांठ बांध के कौन खुश नहीं है कि जयराम माथो के नेतृत्व में रामगढ़ के क्षेत्र से जकरा भी उतार दिया नहीं तो कौन आंख बंद करके वोट दे दी तब बदलाव होता तब क्रांति तो कभी हुआ कहे कि हमने 2 साल से आंदोलन करके देख लियो हमने 2 साल से आंदोलन कर रही है झारखंड सरकार सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है उसके आधार पर स्थानीय बनाया जाए उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए उसके आधार पर विस्थापन बनाया जाए उसके आधार पर खान बनाया जाए लेकिन आज तक नहीं बना पाया। काहे पता है काहे कि हमारा माटी से प्रेम करने वाला हमारे माटी से वात्सल्य रखने वाला कोई भी व्यक्ति सदन में यानी विधानसभा में लोकसभा में नहीं बैठा है इसलिए हम लोग के लिए कानून नहीं बन रहा। इसलिए हम लोग को अपना कानून बनाने के लिए अपना नियम बनाने के लिए अपना नीति बनाने के लिए अपने नियमावली को बनाने के लिए हम लोग को अपने लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में भेजना पड़ेगा तभी हम लोग के अंदर बदलाव आएगा। इसलिए 2024 का तैयारी आप लोग रखिए जबरदस्त तरीके से रखिए। आपने हरा का देख लिया लाल को देख लिया नीला को देख लिया पीला को देख लिया सबको देख लिया अमरी आप ओनली फॉर टाइगर जयराम ओनली फॉर जेबी केसेस होना चाहिए तभी बदलाव आ सकता है तभी क्रांति हो सकता है। सरकार से अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उतरते तो सरकार कह सकती थी कि लोग डायरेक्ट हम लोग ने मनाने का कोशिश किया हम लोग ने सरकार को जताने का कोशिश किया हम लोगों ने सरकार को बताने का कोशिश किया कि हमारे झारखंडियों के लिए झारखंडी को कानून बनाया जाए लेकिन 2 साल में नहीं बना तब हमें मजबूरन क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है नहीं तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे अच्छा से पढ़ते और वीडियो सीओ का नौकरी लेते। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम मोतीलाल महतो जयराम महतो पीएचडी हम खुद सिविल सर्विस का तैयारी करते थे यानी जेपीएससी का तैयारी करते थे 2017 में तैयारी किए सिर्फ 5 साल तैयारी किए 5 साल में एक झारखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है उन्हें भ्रष्टाचार का भेद चल जाता है 55 लाख में 60 लाख में सीट बैठ जाता है। अब बताइए किसी के यहाँ पर किसी के पास 55 लाख रुपया 60 लाख रुपया है नहीं है तो अपना बेटा को कैसे वीडियो सीओ बनाइए उसको बनाने के लिए आधार क्या है तो एक ही आधार है कानून से बना सकते हैं नियम से बना सकते हैं। अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार रहा तो हम अपने बच्चों को वीडियो सीओ नहीं बना सकते हैं डॉक्टर नहीं बना पाएंगे इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा और 2024 में बदलाव लाना पड़ेगा अपने वोट के माध्यम से। कहे कि अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि हम एक आदमी एक वोट देकर देश में समानता लाने की बात तो किए हैं लेकिन यहाँ का शोषित पीड़ित वंचित मजदूर किसान अगर अपने वोट का वैल्यू अपने वोट का कीमत अपने वोट का महत्व अगर नहीं समझ पाती है तो इनका शोषण सदियों तक होता रहेगा और कहीं ना कहीं आज अम्बेडकर जी का बात सही हो रहा है। काहे कि हम लोग आज तक अपना वोट का वैल्यू नहीं समझ पाए अपना वोट का कीमत नहीं समझ पाए। इसलिए जिसको भी वोट देना है एक चीज आप हम अपने वोट देने के टाइम जाते समय एक चीज देख के जाइएगा जो छोटा छोटा बच्चा आखिर अपनी की आंखें हम देख के लिए कि हम वोट अपना दबो ये छोटा छोटा बच्चा के लिए नियम बना देते कानून बना देते जाकर ये पढ़ाई लिखाई व्यवस्था कर देते और वोट दबो अभी बदलाव ऐसा तो हमें बदलाव डाल लिया ऐसा समझो डाल लिया इतना तो नहीं जानिए कहे तो ऐसे बहुत सारा बात है लेकिन शाम हो रहे तो हम चाहते कि अपन वाणी के कुछ शब्द के साथ विराम दवे जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा ना हम सफर से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी ना हम सफर से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी ये मेरे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगी कवच गया कुंडल गया पर प्राण तो है
कवच गया, कुंडल गया, पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर प्राण तो है। धनुष हम लोग को, तीर धनुष हम लोग को लड़ना पड़े या फोट के माध्यम से लड़ना पड़े, इसको लड़ने के लिए तैयार रहे। हो सकता है आपको तीर धनुष से भी लड़ने का जरूरत पड़ेगा। और अंतिम यही है कि हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा अपनी संस्कृति से समझौता ना करेंगे। इतना इसलिए कोई हो कि संस्कृति के बात ऐसा नहीं कर पाए की अंधेरा भर रहा है। संस्कृति तो नहीं हटा जानी है कि तो नहीं पास हो, बारह मास तेरह पर्व हो, उस संस्कृति से, उस भाषा से तोनी के पहचान हो, उठा के तोनी बचा के रखिए। धन्यवाद, जोहर, जय झारखंड।